से ज्यादा का समय हो गया है, 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों घर जलकर राख हो चुके हैं, पर मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इतना समय बीत जाने के बाद भी मणिपुर अपने प्रधानमंत्री से एक शब्द सुनने का बस अभी भी इंतजार ही कर रहा है। हाँ, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, पर उससे भी कुछ खास हुआ नहीं। और ऐसे में जब विपक्षी नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं तो उन्हें चुराचंदपुर जाते समय पुलिस ने रोक दिया। हालांकि वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार के चुप्पी राहुल गांधी को वहां जाने से रोकना कई सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में अमेरिकी दौरे पर थे, लेकिन देश के अंदर एक राज्य में जहां स्थिति इतनी खराब है वहां प्रधानमंत्री को जाने तक का तो छोड़िए, उस पर दो शब्द बोलने का भी समय नहीं मिला है अभी तक। और ऐसे में जब विपक्षी नेता वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सुरक्षा का हवाला देकर रोकने की कोशिश की जाती है। दरअसल गुरुवार को राहुल गांधी सुबह 11:30 के आसपास इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे थे और लगभग 62 किलोमीटर दूर पर कुकी बहुल चुराचंदपुर की ओर चले गए, लेकिन सुरक्षा के आधार पर उनके काफिले को सड़क से 22 किलोमीटर नीचे विष्णुपुर में रोक दिया गया। मणिपुर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के देवव्रत सिंह के अनुसार जिला प्रशासन ने विष्णुपुर चुराचंदपुर सीमा पर अस्थिर स्थिति को देखते हुए उन्हें इम्फाल से चुराचंदपुर तक हेलीकॉप्टर से जाने के लिए कहा था। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों और वहां के लोगों के बीच टकराव शुरू हो गया और राहुल गांधी को इम्फाल वापस लौटने और हेलीकॉप्टर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मौके पर वहां बिगड़े हालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जानकारी के अनुसार इसके बाद राहुल गांधी इम्फाल लौट आए और लगभग 3:30 बजे के आसपास वो हेलीकॉप्टर से चुराचंद्रपुर के लिए रवाना हुए। उन्हें विष्णुपुर जिले के मोयरांग की अपनी यात्रा भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि वहाँ उन्हें उतरने की अनुमति नहीं मिली। चुराचंदपुर की अपनी यात्रा के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों और बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की ज़रूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि विष्णुपुर दरअसल एक मैतेई बहुल जिला है, जबकि चुराचंदपुर एक कुकी बहुल क्षेत्र है। दोनों समुदायों के बीच करीब 2 महीने से ज़्यादा समय से हिंसक विवाद चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।